आम आदमी पार्टी ओडिशा प्रभारी संजय सिंह आज पुरी गस्तरे आसी महाप्रभु को दर्शन करिछंती। महाप्रभु को दर्शन पाई से आनंद अनुभव करथिबा कहिछंती। तेबे एही अवसर रे गणमाध्यम प्रतिनिधि को भेटी ओडिशार शासन स्थिति एवं आप्र ओडिशा रे आगामी दिन रे कोन योजना रहिछि से नै मत रखिथिले। तेबे आसंता पंचायत निर्वाचन रे आप ओडिशा रे निर्वाचन लड़िबो बोली आप्र ओडिशा प्रभारी संजय सिंह कहिछंती। से बीजेडी सरकार को नीति को नेई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को समालोचना मध्य करिछंती। जेउं भली भाबे सरकार ओडिशा रे 14,000 सरकारी स्कूल बंद कले ताकू नेई आप प्रश्न उठाइछे। तेबे गरीब लोकंक पिला माने एहा द्वारा क्षतिग्रस्त हेबे बोली आप कहिछि। सेहिपरि ओडिशा बड़का विद्युत उत्पादन राज्य होइथिबा बेले प्रथम 200 यूनिट काहिंके सरकार मागणारे लोकंकु जोगाई नाहंती से नै संजय सिंह प्रश्न करिछंती। सेहिपरि ओडिशा रे महिलांक उपरे अत्याचार वृद्धि पाउथिबा बेले सरकार कोनोसी पदक्षेप न नेबा अत्यंत दुखर विषय बोली आप कहिछि। पुरी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई और अभी हम लोगों ने तय किया है कि पंचायत इलेक्शन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस इलेक्शन के पहले बिजली का जो मुद्दा है उसको पूरे उड़ीसा में हम लोग घर घर लेके जाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली की तर्ज पे यहाँ लागू किया जाए और इसको लेके घर घर जाके लोगों से ये बताएंगे कि उड़ीसा जो एक ऐसा स्टेट है जो सरप्लस एनर्जी पैदा करता है, जिस राज्य में जरूरत से ज़्यादा बिजली पैदा होती है वहाँ के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती। नवीन पटनायक जी की सरकार से हमारा अनुरोध है, पिछले दिनों हमारे पार्टी के अध्यक्ष निशिकांत जी ने 10 दिन का अनशन भी किया था कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए नवीन बाबू, ये मेरा उनसे अनुरोध है। दूसरा, 14,000 सरकारी स्कूल 14,000 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को नवीन पटनायक जी की सरकार ने बंद कर दिया है। ये गरीबों के साथ अन्याय है, उड़ीसा की जनता के साथ अन्याय है और गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर नए और अच्छे स्कूल बनाते तो आपकी प्रशंसा हम लोग करते, आप जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उसको भी आप बंद कर रहे हैं, इसका मतलब एजुकेशन की ओर इस सरकार का ध्यान नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को और एजुकेशन को पूरा फोकस आम आदमी पार्टी करेगी, जैसे हमने दिल्ली में एजुकेशन का एक मॉडल प्रस्तुत करके दिखाया ऐसे यहाँ पे काम करेंगे। इसी प्रकार से हेल्थ है, इसी प्रकार से महिलाओं को सीसीटीवी का जो सुरक्षा घेरा दिया है दिल्ली की सरकार ने, उससे भी हम लोग चाहते हैं कि उड़ीसा में भी ऐसी व्यवस्था लागू हो। आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध के मामले में उड़ीसा पीछे होता जा रहा है, बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। तो ये लगातार महिलाओं के ऊपर अपराध उड़ीसा के अंदर बढ़ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है ये तमाम। तेबे ओडिशा लोक चाहिले ही आप निर्वाचन रे जीती पारिबो। तेबे आम आदमी पार्टी क्षमता को आसिले मागणा विद्युत शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान सहित महिलाओं को सुरक्षा एवं आईन श्रृंखला उपरे स्वतंत्र ध्यान देबो बोली ओडिशा आप प्रभारी संजय सिंह गणमाध्यम को कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज।